नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हां दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे और उससे बहुत ही अधिक लाभ हुआ विद्यार्थियों को, जिसका परिणाम यह रहा कि MGCI के बहुत सारे विद्यार्थी BHU में बहुत धमाकेदार शुरुआत कर दी, ठीक है। उसी प्रकार से हम ICR में एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभावना है जिनके आने की, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब के हम प्रारंभ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो कि ICR के होंगे, और इसमें भी हम बात करेंगे आज वो हो गए एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ICR के एग्जाम में आए हैं और ये बहुत ही लाभदायक होंगे आने वाली एग्रीकल्चर का जो टेस्ट है MP में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और ICR के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे कि ICR में 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया था पिछली बार कि भैया 5% नाइट्रोजन और 16% उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना DCP होगा। तो भैया पहले क्वेश्चन धमाकेदार है, तो आइए देख लेते हैं, धमाकेदार है तो हम भी धमाकेदार तरीके से इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर दो चीज हमें क्लियर होना चाहिए, एक तो सबसे पहले CP% कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है इसका, आप सभी को ज्ञात होगा नाइट्रोजन का जो भी परसेंट दिया रहता वो, और 6.25 फैक्टर है, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि 16% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसलिए 6.25 लेते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, 6/100, 6.25। चलिए तो अब बात करें, हमें क्वेश्चन में जो दिया था 5% नाइट्रोजन दिया था भैया, तो यहाँ पर 5 का इसमें इंटू कर देंगे, ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है और इसका मान आ जाएगा 31.25 के आसपास, ठीक है, 31.25 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गया, CP मिल गया, CP परसेंट मिल गया। अब वो हमसे प्रश्न में बात कर रहा है कि DCP बताइए, तो DCP का फॉर्मूला होता है CP इंटू डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब पचनशीलता प्रतिशत, ठीक है, तो पचनशीलता प्रतिशत इंटू 100, तो CP कितना निकल कर आ गया, हम CP बता देंगे 31.25 निकल कर आ गया, तो CP की जगह हम मान रख देंगे 31.25 इंटू पचनशीलता उसने खुद दे के रखी है 60% 60% बटे में 100, ठीक है। तो जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18/65 और बटे में 100, ठीक है, और जब बटे में 100 है तो हमें पता है 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 18.65, और एग्जैक्ट जब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये तो हमने इसको राउंड फिगर में ले लिया, जब हम इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करते हैं तो 8.75 आएगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में 18/65 दिया कि 18/75, तो जब हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भैया, तो घबराने की बात ही नहीं है ना। चलिए तो आंसर बिल्कुल उसने सही दिया है, 18/75 दिया है। कैसे आया एक बार मैं फिर और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं, है ना, वो तरीका गलत है भाई, सही तरीका ये है। सबसे पहले हमें सीपी परसेंट ज्ञात करना होता है, इसके लिए हम 6.25 में किसका गुणा करते हैं, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितना दिया भैया, 5% दिया है, नाइट्रोजन कितना दिया है 5%, तो हम इसमें 5 का इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 31.25 के आसपास राउंड फिगर में कितना आएगा, ठीक है। अब हमें बात करना है, सीपी तो मिल गया, लेकिन हमें तो सर डीसीपी पूछा, डीसीपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हमने देखा डीसीपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू डाइजेस्टिबिलिटी परसेंटेज बटे 100, तो सीपी कितना निकला भैया 31.25, ठीक है, कितना दिया है पचनता, जो पाचन क्षमता दी सहार दी 60 का इसमें गुणा कर देंगे बटे में क्या रहेगा 100, जब हम इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करेंगे तो ये 18/75 आएगा और बटे में 100, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो है तो पॉइंट लगा दो, 8.75, इट्स राइट आंसर इज सी चेन्नई। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, तो एक सूत्र ये लगेगा इसमें और एक सूत्र ये लगेगा, दो फॉर्मूलो यूज करेंगे तब जाकर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से और भी घुमा फिरा के पूछा जाए
तो आप कर देना बच्चों, घबराने की बात नहीं है, है ना। सीपी परसेंट निकाल देना पहले, फिर डीसीपी परसेंट निकाल देना, इस तरह से उसका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सीपी परसेंट पूछ लेता है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कि एक पशु आहार में 8% नाइट्रोजन है, कितना परसेंट? 8% नाइट्रोजन है, तब उसका सीपी ज्ञात करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीपी के बराबर नाइट्रोजन की मात्रा दी 8%, तो ये हो गया भैया। और हमेशा जो फैक्टर रहेगा वो 6.25 रहेगा, तो बस 6.25 में 8 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 48 मतलब लगभग 8 × 6 = 48 मतलब 50 के आसपास आ जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ निकालने का, तो आप इस फॉर्मूले के बेस्ड किसी भी प्रकार का सूत्र आए हम उसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा भैया। चलिए बात क्लियर हो गई, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और इसी प्रश्न से हमने 3 से 4 चीजें सीख ली। आइए आगे देखते हैं। गोवंश में ब्लैक क्वार्टर जो कि जिसे BQ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर BQ लंगड़ी रोग जिसे हम कहते हैं, तो ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी रोग किससे होता है? तो ऑफकोर्स आप सभी को पता है कि जो लंगड़ी रोग है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है। सांड ने एकत्र किए गए वीर्य को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? देखो भैया यहाँ पर अगर संरक्षित किया जाता है तो मोर देन 1 ईयर तक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ करेंगे, तरल नाइट्रोजन के साथ, तो क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तो संरक्षित शब्द लग गया है, इसलिए 1 वर्ष से अधिक समय तक कर सकते हैं। लेकिन साधारणतः बोल देता तो फिर तो हम 1 सप्ताह लगाते, साधारणतः अगर बोलता तो 1 सप्ताह होता, लेकिन उसने संरक्षण शब्द लगाया इसलिए मोर देन 1 ईयर हम इसको बोल सकते हैं, 1 वर्ष से अधिक। रानीखेत बहुत फेमस है, वायरल डिजीज है, किसमें होता है? मुर्गियों में, ऑफकोर्स इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? सीधी सी बात है भैया, पशु कोशिका अर्थात जंतु कोशिका, ठीक है, 2 तरह की कोशिका ज्यादातर हम पढ़ते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो ऐसा कौन सा अंग है जो पशु कोशिका अर्थात जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन पादप में पाया जाता है? सीधी सी बात यही पूछी गई अल्टीमेटली। तो माइटोकांड्रिया तो दोनों में होता है क्योंकि दोनों में ऊर्जा चाहिए, पराक्सिस्टम भी दोनों में होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक दोनों में होता है, जंतु में पादप में भी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक कहते हैं यह मेन फीचर है किसका भैया? पादप कोशिका का। अब जंतु है तो जंतु में पादप कहां से आएगा भाई, समझ गए मेरी बात को बच्चों? इसलिए यहाँ पर हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता, जंतु में नहीं पाया जाता। और वही लक्षण पूछा कि पशु कोशिका, पशु में जंतु कोशिका होगी, और जंतु कोशिका में कौन सा भाग जो है एब्सेंट रहता है? वो भाग जो एब्सेंट रहता है वो है क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको ये प्रश्न मजेदार था, समझ में आ गया। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, बायो के एनिमल के साथ कन्वर्ट करके जोड़ दिया जाता है, है ना भाई। ICAR है तो थोड़ा सा लेवल तो रहेगा, लेवल इतना भी ज्यादा नहीं रहता, कुछ ही क्वेश्चन में रहता, बाकी तो हलवा मिलता नहीं है। दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से, तो दूध में जो मुख्य रूप से पाया जाता है सभी को पता है केसिन प्रोटीन होता है, लगभग 2.75% तक ये पाया जाता है, ठीक है, तो केसिन प्रोटीन मेनली पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। और यहीं से क्वेश्चन बनता है जो कि इसी वर्ष BHU में पूछा था, जो कि हमारी प्रीवियस क्लास BHU का भी भाग था वह क्वेश्चन, कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? हमने बताया था केरोटीन के कारण होता है, और दूध का सफेद रंग होता है केसिन के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, इसीलिए भैंस का दूध अधिक सफेद होता है क्योंकि उसमें केसिन ज्यादा होता है, और गाय का दूध पीला दिखाई देता है क्योंकि उसमें केरोटीन होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक है? आप जो ऑप्शन दिए हमें, इन ऑप्शन में केवल एक ही भैंस है, मतलब कितना हलवा प्रश्न है भैया, भैंस की तो एक ही नस्ल है ना, तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि थारपारकर गाय की है, लाल सिंध भी गाय की है, और जर्सी भी गाय की है, तो उत्तर तो अपने आप बहुत आसान हो गया, इससे सरल प्रश्न और क्या पूछा जाएगा भाई, तो मुर्रा हो जाएगा। समझ गए बच्चों, बात समझ में आ गई। अब मुर्रा की बात निकली है तो मुर्रा से याद रखना, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ICAR में किस भैंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, याद रखना, ICAR में किस भैंस का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो भैंस हमें बता देना है मुर्रा है, ठीक है। ICAR किस भैंस पर रिसर्च करता है? तो मुर्रा पर करता है। फिर वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीड पूछे बफेलो की, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे
बेहतरीन नस्ल बफेलो में बेस्ट ब्रीड पूछा जाए तो वो भी कौन है? मुर्रा है। फिर मुर्रा से क्या पूछा जा सकता है कि डेली बेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो डेली बफेलो के नाम से अगर पूछा जाए तो डियर स्टूडेंट बता देना डेली बफेलो भी मुर्रा को ही कहा जाता है। फिर मुर्रा से पूछे कि गहरा काला रंग या जेड ब्लैक रंग किसका होता है? तो जेड ब्लैक कलर जो होता है वो भी मुर्रा का ही होता है। सबसे ब्यूटीफुल बफेलो अगर पूछा जाए तो आप बता देना वो भी मुर्रा है। फिर पूछा जाए काउ की सबसे ब्यूटीफुल ब्रीड, तो आई होप आपको जानकारी होगी, दैट इज आयरशायर। यस, जिसका उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड है और आयरशायर ब्रीड सबसे सुंदर काउ है। लेकिन बफेलो में पूछा जाए तो मुर्रा है। ठीक है, इसके ऊपर प्रतियोगिता भी होती है हर वर्ष, जिसको ICR अवार्ड भी देता है डिफरेंट फार्मर्स को, जो बुल और बफेलो बुल के ऊपर काफी रिसर्च होता है मुर्रा के, है ना, काफी महंगा बिकता है उसके ऊपर भी रिसर्च होता है। तो सारा जो ICR है मेनली फोकस करता है मुर्रा पर। क्यों? क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज है कि वर्ल्ड की बेस्ट बफेलो है। और आपको पता है कि विश्व की सबसे ज्यादा भैंसे भारत में पाई जाती है ना। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह का एक प्रश्न आता है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, तो वो भी आप देख लीजिए, है ना। चलिए मैं आपको मुर्रा बफेलो का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, है ना, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए, मान लीजिए पूरा विश्व है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये विश्व है ना, तो विश्व की लगभग 80% कितना परसेंट? 80% कहाँ होती है? एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में होती है। विश्व की लगभग 80% देश है किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में ही कौन सा देश आएगा? तो आप बताओ सर, एशिया महाद्वीप में तो इंडिया आएगा, तो एशिया महाद्वीप में कौन सा देश? इंडिया। तो इंडिया में पूरे विश्व का कितना परसेंट, सॉरी पूरे एशिया महाद्वीप का पूछे तो 90% बफेलो इंडिया में, लेकिन पूरे वर्ल्ड का पूछे कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया में कितने परसेंट है, तो हम बता देंगे 55% है। बात समझ गया आपको? तो ये 3 से 4 प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कैसे 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है? पूरे विश्व का एशिया महाद्वीप में अगर पूछे तो हम बता देंगे 80% पाई जाती है, लेकिन एशिया महाद्वीप का भारत में कितने परसेंट है? तो 90% है। लेकिन वर्ल्ड का पूछे कितने परसेंट है? तो 55% है। और पूछे कि किस देश में भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है वो भारत में। भैंसों की संख्या जो सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। लेकिन भारत में किस पशु की संख्या ज्यादा है? तो कैटल की है भैया, याद रहे, घूमना नहीं है, घुमाया जा सकता है आपको, घूमना नहीं है। भारत में किस पशु की संख्या सबसे ज्यादा है? तो कैटल की, गोवंश की। लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा भैंसे कहाँ पाई जाती? तो भारत में। फिर पूछा जाए कि भैंसों की संख्या भारत में, तो उत्पादन में किनका योगदान होगा, है ना, उत्पादन में किनका योगदान होगा? तो भैंसों का। लेकिन संख्या की दृष्टि से पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से पशु पाए जाते हैं, तो कैटल या गोवंश। लेकिन भारत के उत्पादन में किनका ज्यादा योगदान है? तो भैंसों का है। क्यों? क्योंकि भारत में जो गाय है उनका औसतन 4-5 ब्रीड को छोड़ दे उसके बाद सब ब्रीड का जो दूध उत्पादन है बहुत कम है, लेकिन भैंस की जितनी भी 16 नस्ल परिभाषित है वो सब की सब बहुत ज्यादा दूध देती है। इसलिए जो दूध उत्पादन में जिनका योगदान है वो कंट्रीब्यूशन लगभग 52 से 54% के आसपास है, वो भैंसों का है। इसलिए भैया प्रश्न आ जाए कि भारत में संख्या की दृष्टि से कौन अधिक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर ऑफ पॉपुलेशन बात करेंगे तो कैटल बताएंगे हम लोग, लेकिन प्रोडक्शन की दृष्टि से बात हो, उत्पादन की दृष्टि से अगर बात हो, डियर स्टूडेंट, तब आपका आंसर भैंस होगा। ठीक है, एक उसके अलावा और बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम देखेंगे और जो जानकारी निकल कर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपके प्रश्न क्लियर हो गया। तो मुर्रा से बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। चलिए बच्चों, अच्छी गुणवत्ता वाला साइलेज का पीएच मान, तो बेस्ट क्वालिटी का जो साइलेज होता है उसका पीएच मान आप सभी को पता है 3.5 to 4 होता है, लेकिन हम लोग अक्सर यही पढ़ते हैं, ठीक है, 35 से 42, लेकिन उसके नियर बाय यही है, बाकी तो बहुत दूर दूर है। ठीक है, जब बात साइलेज की निकली है तो याद रखना, साइलेज के लिए जिस भी हम क्रॉप का चयन करते हैं उसका जो स्टेम होता है वो सख्त होना चाहिए। ठीक है, सख्त तने वाली फसल का मूलतः उपयोग किया जाता है। अगर हमने लूज स्टेम वाली ले ली तो क्या हो जाएगा सर? अरे भैया, जब हम उसका चाफिंग करेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, जिसको हम कुट्टी बोलते हैं बोलचाल में, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इस कारण से
उसका फर्मेंटेशन नहीं होगा, और फर्मेंटेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ तो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का साइलेज नहीं बनेगा भैया। इसलिए हम सख्त तने वाली हार्ड स्टेम वाली क्रॉप का चयन करते हैं, जैसे कि मेज सोरघम, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है। तो यही पूछा जाता रहा है अक्सर, तो बेस्ट क्रॉप पूछा जाए तो बता देना भैया मेज है। चलिए तो इसका उत्तर तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी हमने देख ली। मुर्गी के अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने घंटे से कम नहीं हो सकती, ठीक है भैया, ड्यूरिंग एग लेइंग, ठीक है, अंडे देने वाली जब उसकी अवधि चल रही है उसमें प्रकाश की अवधि कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्ट तो ये होता है 16 आवर, ठीक है, 16 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शन में 17 भी है और 15 भी है, ये दो का तो कोई रोल नहीं, आप हटा दोगे, अब 17 लगाए कि 15। भैया ऐसी परिस्थिति आ जाए अगर ऑप्शन में ये सा होता 15, 16, 17 तो हम क्या लगाए, तब भी 16 लगाना है, ठीक है, लेकिन 16 दिया ही नहीं है तो फिर क्या लगाए सर, फिर 17 लगाए क्या, नहीं, फिर हमें लगाना है 15। जब तक 16 दिया है ऑप्शन में, 16 आवर्स अगर दिए तब तक हमें उसी को प्रीफर करना है, और वो जब नहीं देगा तब हमें 15 को लगाना। ओके डियर स्टूडेंट, आईसीआर मतलब आईसीआर का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, वह कहां पर स्थित है तो बता दिया भैया, करनाल हरियाणा में। सर हिसार में क्या है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते भैया, हिसार में अगर हम बात करें तो सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हिसार हरियाणा में ही भैया, आप बता सकते हो, ठीक है। फिर इज्जत नगर में क्या है, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिर इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल में हमने बता ही दिया भैया कि NDRI है। सर आनंद में क्या है, तो आनंद में अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया आनंद में, जिसकी स्थापना 14th of December 1946 में हुई थी, ठीक है, जो कि सहकारिता का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, आनंद जो कि बहुत फेमस है, जिसके प्रोडक्ट अमूल के नाम से बेचे जाते हैं। तो ये भैया काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसका आंसर तो काफी सरल काफी आसान था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, जमुनापारी, अरे भैया ये तो जादुई बकरी है, ग्रामीण बकरी है, घुमक्कड़ बकरी है, इसकी नाक पेरट होती है, ठीक है, फिर इसके कान सबसे लंबे होते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे कान हो सकते हैं, है ना, ये एक जगह खाना नहीं पसंद करती, घूमना फिरना पसंद करती है ना, इसलिए इसको घुमक्कड़ बकरी बोला जाता है, रूरल गोट बोला जाता है, गांव में घूमती फिरती रहती है, और सबसे बड़ी ब्रीड है बकरियों में, सबसे बड़ी है, समझ गए, और बकरियों को गरीब की गाय कहा जाता है, और किस नस्ल को कहा जाता है, तो बकरी की इस नस्ल को कहा जाता है, याद रखना। फिर गायों में किसे गरीब की गाय कहा जाता है, याद रखना, वो राठी है, है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पूछा जाए गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे बकरी को, लेकिन बकरी में भी किस बकरी को कहा गया है, तो दैट इज कॉल्ड जमुना पारी या जमुना पारी, ठीक है, कौन सी होगी, जमुना पारी। लेकिन अगर पूछे कि गरीब की गाय है ना भैया, गरीब की गाय किस गाय को कहा जाता है, तो गाय होगी वो राठी, जिसे काम धेनु भी कहते हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में काफी फेमस है क्योंकि राठी परिवार वहीं का है ना, राठी वहीं की है, याद रखना, ठीक है, एक सीरियल आता ना संध्या राठी, ठीक है, इसे याद रखना भैया। तो गरीब की गाय कहा जाए तो बकरी को कहते हैं, लेकिन किस बकरी को कहते हैं, तो जमुनापारी को कहते हैं, लेकिन गरीब की गाय किस गाय को कहा गया, शब्दों का खेल है ना, याद रखना, तो राठी को कहा जाता है, याद रखना। सिरोही भी बकरी की नस्ल है, बरबरी ये सिटी गोट है ना, ये सिटी गोट, ये रूरल गोट, दैट इज रूरल गोट, दैट इज सिटी गोट, ठीक है, ये सिटी गोट है, एक रूरल गोट है ना, ये एक स्थान पर खड़े होकर खाना पसंद करती है, तो याद रखना नेल्लोर, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि बकरी की नस्ल नहीं है, तो भैया आप सभी को पता चली गया कि नेल्लोर एक भेड़ की ब्रीड है, ठीक है, बकरी की नहीं है। यॉर्गर्ट क्या है, तो फर्मेंटेड मिल्क है ना, जो दुग्ध उत्पाद है फर्मेंटेड होता है उसे यॉर्गर्ट कहा जाता है। ऑल पॉक्स मुर्गियों में होता है, हमें पता है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड है, तो इसके बारे में हमने BHU के पेपर में भी डिस्कस किया था, इट इज अ डाइसेकेराइड। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, तो सर ये डाइसेकेराइड है तो इसके मोनोसेकेराइड, तो इसका मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों मोनोसेकेराइड मिलकर ही इस डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के कारण दूध हल्का
मीठा होता है, प्रश्न आता है दूध का हल्का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो लैक्टोज जिसे हम दुग्धम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दुग्धम के कारण ही दूध हल्का मीठा होता है जिसे दूध शर्करा भी कहते हैं। रिंडरपेस्ट वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है, जिसे फोका पोकनी भी कहते हैं। इसमें ज्यादा अगर बोले तो पिचकारीदार दस्त करता है पशु, है ना, 2 से 5 फीट लंबे पिचकारीदार दस्त, इसमें मलासे भी कभी कभी बाहर आ जाता है और इसके मलासे पर जेब्रा मार्किंग बन जाती है। किस रोग में, तो रिंडरपेस्ट ही भैया। When F1 progeny is crossed with homozygous progeny, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बायो क्वेश्चन है लेकिन पढ़ेंगे, हालांकि एनिमल ब्रीडिंग का भी भाग ही है ना, एनिमल ब्रीडिंग में आता है, हमने देखा था एनिमल ब्रीडिंग में आएगा ये। चलिए अब बेक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो देखते हैं। दो एलील्स लिए, दो जीन लिए, है ना, एलील्स या गैमेट, इनसे निकल कर आएंगे, इधर से स्मॉल, इधर से कैपिटल गैमेट आया, दोनों का फ्यूजन हुआ, F1 जनरेशन बना, तो हमें क्या मिलेंगे, हमें लंबे पौधे, टॉल पौधे मिलेंगे, 100% टॉल पौधे मिलेंगे। इसमें कोई भी रेशियो नहीं होता, याद रखना F1 जनरेशन में कोई भी रेशियो नहीं होता, टॉल मिलेंगे 100%। अब बेक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अपनी F1 जनरेशन का किसी भी सुपीरियर पेरेंट्स से क्रॉस करा देना बेक क्रॉस कहलाता है। लेकिन वो बोल रहा होमोजाइगस, तो होमोजाइगस क्या, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, और ये कैसी है, ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटरोजाइगस कंडीशन है। मतलब अगर दो कैपिटल कैपिटल है या दो स्मॉल स्मॉल है, समझ गए बात को, तो इस तरह के एलील जब दिखेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस, इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहेंगे भैया। और ये क्या हो गया, एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है, एक टॉल है, एक बोना है, लेकिन बोना क्या अपने आप को बता नहीं पाया, शो नहीं कर पाया, क्योंकि टॉल ने उसको डोमिनेट कर दिया। और यही तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिससे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझेंगे हम, समझ गए बात को। तो भैया अब वो पूछ रहा है कि होमोजाइगस प्रोजेनी है ना, F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस, तो जब F1 प्रोजेनी को उसके होमोजाइगस पेरेंट्स से क्रॉस करा, चाहे इससे करा लो चाहे उससे करा लो, ठीक है, उस परिस्थिति में क्या होगा, और टेस्ट क्रॉस क्या होगा सर। तो भैया टेस्ट क्रॉस जब भी कराया जाता है ये हमेशा रेसिस्यू से कराया जाता है। रेसिस्यू का मतलब क्या, तो जो अपने आप को शो नहीं कर पाते उनको रेसिस्यू बोला जाता है, ठीक है, जो जीन या जो एलील अपने आप को F1 जनरेशन में प्रकट नहीं कर पाते उनको रेसिस्यू कहेंगे। तो जब F1 का रेसिस्यू से कराया जाएगा उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो आई होप ये तो बहुत आसान सी बात थी भैया, बेक क्रॉस हो गया, समझ गए बेक क्रॉस क्यों हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, क्रॉस कराएंगे F1 मिलेगा, ठीक, F1 में ही आ गया। अगर इस F1 का इससे कराएंगे, ये रिसेसिव है ना, ये अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगर ये कंडीशन है कि जब F1 का अपने रिसेसिव या जो प्रभावी नहीं है अप्रभावी से कराएंगे तो घटना टेस्ट क्रॉस है, और जब F1 का अपने प्रभावी के साथ कराएंगे अर्थात वो होगा होमोजाइगस कंडीशन, और इसी को कहा गया बेक क्रॉस। सर ये भी तो हो सकता है कि इसको हम कहें, लेकिन बेटा टेस्ट क्रॉस उस कंडीशन में कहा जाएगा जब वह रेसेसिव से कराया जाए, मतलब अप्रभावी से कराया जाए, तभी तो उस घटना को हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। सर अप्रभावी मतलब जो अपने लक्षण यहाँ नहीं बता पाया, इसीलिए तो हम उसका टेस्ट करेंगे क्योंकि वह अप्रभावी था। आई होप आपको समझ में आ गया। हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो सरल है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं भैया इसमें। एवरेज एज ऑन द फर्स्ट कार्विंग ऑफ मुर्रा बफेलो, मतलब जो मुर्रा भैंस है पहली बार बच्चे को कब देगी जन्म, तो उसकी एग्जैक्ट जो उम्र होगी 41 मंथ, ठीक है, मतलब 2.5 साल के ऊपर, तब वो पहली बार बछड़े को जन्म दे देगी। बॉडी वेट पूछा गया मुर्रा का, तो ये तो बहुत आसान है, 450 kg होता है, याद रखना भैया। द ब्रीड ऑफ बफेलो विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है, यहाँ पे याद रखना 2-3 चीजें मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे कि बेटा मेहसाणा पूछा जाए तो ये किसका किसका क्रॉस है, तो यह मुर्रा और सुरती का क्रॉस है, और ये गुजरात की मुर्रा, सॉरी सुरती और मेहसाणा, ये दोनों कहाँ पर फेमस है, गुजरात में फेमस है। जाफराबादी ये भी गुजरात की ब्रीड है, बहुत फेमस है, ठीक है, इसे छोटा हाथी कहते हैं, याद रखना भैया, मिनी एलिफेंट छोटा हाथी कहा जाता है ना, बहुत अच्छी नस्ल है, ये भी दूध में काफी फेमस है, है ना। MPPAT में एक बार प्रश्न आया था कि हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग, हाईएस्ट
मेल का एंडिंग, उसने मुर्रा भी दिया और उसने जाफरावादी भी दिया। मुर्रा भी ऑप्शन में था और बी ऑप्शन पे जाफरावादी भी था, तो उसने राइट आंसर इसको माना है। क्यों? क्योंकि पर लैक्टेशन प्रति ब्याज जब औसतन अध्ययन किया जाता है तो इसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसकी तुलना में मुर्रा की। याद रखना, जब मुर्रा और जाफरा दोनों दिया हो एमपीपीएटी एग्रीकल्चर टेस्ट में, उसका आंसर जाफरावादी कंसल्ट किया गया था। पर ऐसा पूछा जाए कि सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी है, तो मुर्रा। फिर ऐसा क्यों सर, बेस्ट ये दूध वो ज्यादा दे रही? भैया ये प्रति ब्याज औसतन दे रही, कुल जो दूध उत्पादन होता है इसका सर्वाधिक होता है। पर प्रश्न पूछा गया कि साधारण तो एक ब्यात में सबसे ज्यादा दूध कौन दे सकती है, तो जाफरावादी दे सकती है। और ये डिफरेंट ब्रीड्स में रहती है, देखने में सुंदर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है और रिसर्च काफी हो रहा है, इसलिए बेस्ट ब्रीड इसी को कहा गया है। और दूध उत्पादन की बात हो, कुल दूध उत्पादन की बात हो, तो जाफरावादी करती है, याद रखें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट। सीधी सी बात है, तांबे जैसा तेरा रंग, जैसा हमने बीएचयू में पढ़ा था भदावरी है, इसका कलर कॉपर की तरह होता है और 13% इसमें फैट होता है, तो हम बोल सकते हैं कॉपर लाइक तांबे जैसा तेरा रंग। ठीक है भैया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए, कॉपर कलर ऑफ बफेलो, ये नीचे वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप बता देंगे ये रहा भदावरी। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे दोनों चीजें, दोनों प्रश्न एक ही भेज के थे, एक ही ब्रिड के थे। गुड साइलेज कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फोडर। ठीक है, तो गुड साइलेज अगर हमें बनाना है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो इसको भैया करेक्ट कर ले, मॉइस्चर कंटेंट इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, द ग्रीन फोडर विथ हाइएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू, कौन सा चारा है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है? तो जब तक बर्सिंग दिया है सोचना नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ फोडर अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, किंग ऑफ फोडर पूछा जाए, तो हमें बताना है किंग ऑफ फोडर बरसीम है। क्यों है? क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बरसीम होगा। द टीडीएन रिप्रेजेंट, टीडीएन किसको प्रदर्शित करता है, तो टीडीएन का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट, ठीक है, कुल पाच्य पोषक तत्व जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो एनर्जी को बताता है। क्यों? क्योंकि टीडीएन मतलब कार्बोहाइड्रेट, सीधी सी बात है, टीडीएन मतलब किसकी बात हो रही है भैया, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब पोषक मान, शरीर में हमारे ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज भी तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वैसे पशु शरीर में बहुत सारे पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, जो कि किसका अपर रूप है, कार्बोहाइड्रेट का, तो एनर्जी कहां से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट मतलब टीडीएन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी वैल्यू। Which crop is suitable for hay? Hay बनाने के लिए किसका उपयोग होगा? सारी crops का हो सकता है, क्योंकि इसका stem भी loose है, इनका भी loose है। वैसे best crop पूछा जाए तो बरसीम होता है बनाने के लिए, है ना? Best crop for hay making that is बरसीम, ठीक है? बरसीम का बोट निकलने में याद कर लेना जरूर, Trifolium alexandrina, ठीक है भैया? लूसर्न का तो आपको पता ही होगा, Medicago sativa, Oat avena sativa, तो याद रखना, सबसे बन सकता है लेकिन बेस्ट बोल देता तो फिर बरसीम होता भैया, है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राशन जो होता है, आहार जो होता है, वो कितने घंटे के लिए दिया जाता है, तो जब भी राशन शब्द दिख जाए, याद रखना राशन जब भी कंसल्ट किया जाता है 24 आवर्स के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी आहार की परिभाषा है उनमें लगभग एक चीज बहुत कॉमन है कि जीवन जीने के लिए पशु को एक दिन के आहार की गणना करते हैं, उसी के हिसाब से महीने भर की, उसी के हिसाब से साल भर की गणना होती है। इसलिए जीवन निर्वाह आहार कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, अर्थात एक दिन के लिए दिया जाता है, तो इसीलिए 24 घंटे को यहाँ पर प्रिफर किया गया है। 30, 6, 12 घंटे की कोई बात होती नहीं, है ना? हम जनरली भी पूछते हैं एक दिन में कितना खाते हो, तो ऐसी बात होती है एक दिन अर्थात 24 घंटे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 24 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूम फोडर, निम्न में से कौन सा दलहनी चारा? अब देखो भैया, कॉन्सिकल घास, पेरा ग्रास, गुयाना घास, ये सब तो घासे है, तो घासों में लेग्यूम शब्द कहाँ से आएगा? सू बबूल है, बबूल देखा होगा आपने, पशु इसको कभी नदी के किनारे चरने जाते हैं तो फापड़े बोलते हो तुम लोग गांव भाषा में, तो उसको बहुत स्वादिष्ट होता है उनके लिए, वो चाव से खाते हैं, उसी प्रकार से सू बबूल भी बहुत टेस्टी लगता है उनको और इसको खाया जाता है उनके द्वारा। व्हाट इज द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया? भैया ध्यान से सुन लेना, ये पुराना डाटा है, नया डाटा जो आया है 19th नंबर का सेंसस जो हुआ था, ठीक है, सॉरी 20वें नंबर का हुआ था 2019 में, तो जो 20वें नंबर की पशु गणना हुई है 2019 में कंप्लीट हुई है, उसके हिसाब से भारत में कुल पॉपुलेशन एनिमल्स की है वो
वो 535 है। और याद रखना, हर 5 वर्ष पर, हर 5th ईयर के अंतराल पर भारत में पशु गणना का कार्य किया जाता है। तो भारत में पशु गणना का कार्य हर 5 वर्ष के अंतर पर होता है, और कुल जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की इन इंडिया में वो 535 मिलियन है। याद रखना, ये रिसेंट का डाटा है, जो कि 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसके हिसाब से 535 मिलियन पशु भारत में पाए जाते हैं। आई होप आपकी बात क्लियर हो गई। मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है, तो यूपी ऑफकोर्स। क्यों यूपी? क्योंकि सबसे ज्यादा भैंसे यहीं पर है, ऐसा याद रखना, और सबसे ज्यादा पशु भी यहीं पर है। भारत में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? तो यूपी में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद एमपी में। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा पशु किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, सब यूपी में होता है भैया, ठीक है, याद रखना इतनी बातें, उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण है। तो 535 मिलियन हो गए टोटल पॉपुलेशन भारत में पशुओं की कुल संख्या, तो हम बता देंगे 535 मिलियन है, और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है? तो इंडिया है ऑफकोर्स, और वर्तमान में इंडिया 187 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन करने के साथ इंडिया का वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। और जब से फर्स्ट रैंक है, तब से आज तक फर्स्ट रैंक है भैया अपना। इसका श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को जाता है, जिन्होंने श्वेत क्रांति के जरिए भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रोसेस चालू की। 1970 के दशक से ऑपरेशन ब्लड चालू हुआ, और धीरे धीरे इतना बड़ा कि आज हम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री का खिताब पाते हैं, ठीक है, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है भैया। Which is the best method of milking? कौन सी method बहुत ही अच्छी मानी जाएगी दूध दोहन के लिए? तो जिसे हम full end method कहेंगे, पूर्ण हस्त दोहन विधि, full end method, पूर्ण हस्त दोहन विधि। 3 से 4 विधियां होती है, वैसे विधियां तो 2 है, लेकिन मशीन द्वारा और हाथ द्वारा, तो हाथ द्वारा 3 से 4 है, ठीक है। तो उसमें भी बेस्ट कौन सी? हाथ द्वारा में तो full end method, और मशीन भी रहे और full end भी रहे, तब भी हमें क्या लगाना? full end method। क्यों? क्योंकि इससे लंबे समय तक दोहन करने पर भी पशु के आयन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं देखने को मिलता, इसलिए फुल एंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड मिल्किंग मेथड? कौन सी? अंगूठा विधि है, चुटकी विधि है, ठीक है, उसी का एक अन्य नाम फिस्टिंग मेथड, ठीक। तो सभी तो है भैया, ये सभी तो हैंड मिल्किंग है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आई होप आपको समझ में आ गया। केसिन कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क एज कम्पेयर टू काउ, केसिन क्या होगा भैया? ज्यादा ही होगा, है ना, गाय के दूध के तुलना में। भैंस के दूध में केसिन क्या होता है? तो ज्यादा होता है। सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ किसमें प्रेजेंट होता है? तो दूध में होता है भैया, आप सब पता है इसके बारे में। एवरेज वाटर इन मिल्क, अब देखो भैया अलग अलग केस में अलग अलग होता है, लेकिन साधारणतः कितना होता है? तो 87% मिल्क होता है और 13% सॉलिड होता है, तो 87 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम बफेलो में देखेंगे तो 82-83 के आसपास है, है ना। चलिए, काउ मिल्क क्या होता है? तो गाय का मिल्क जो होता है वो बहुत ही पचनशील होता है, और अगर पूछे कि गाय का जल्दी पचेगा कि बकरी का, तो फिर हम बोलेंगे बकरी का। क्यों? क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज कम है, समझ गए, इसलिए बूढ़े और बच्चों के लिए गाय और बकरी का दूध अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी से बहुत आसानी से पच जाता है, ठीक है भैया। तो काउ मिल्क ज्यादा पचनशील होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एसएनएफ इन फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क में एसएनएफ 9% होता है, याद रखना है। और कोलेस्ट्रम जो होता है, खीस जो होता है, वो विटामिन के उसमें नहीं पाया जाता। कुछ बच्चे कोलेस्ट्रम या खीस, जिसे हम पवेसी या चीका या तेलिया के नाम से जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो खीस है भैया उसमें विटामिन के नहीं पाया जाता, जो गाय के ब्याने के तुरंत बाद प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है, जब तक उसका जेर नहीं गिर जाए तब तक उसको नहीं निकालना चाहिए, ठीक, जेर गिरने के बाद हम उसको निकालते हैं। और ये काफी ऊर्जा से भरपूर होता है खीस, विशेषकर आंखों की संबंधी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको खाने के लिए ये सुटेबल रहता है, और इसको प्रिफरेबल भी माना गया है कि आंखों की संबंध के जो भी बीमारियां हैं अगर उस व्यक्ति को खीस खिलाया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए होगा ज्यादा मात्रा में, जो कि रेटिनाल को मजबूत करेगा, भाई सीधी सी बात है, रेटिना को मजबूत करता है विटामिन ए, बस इसीलिए विटामिन ए तो पाया जाएगा, डी भी पाया जाएगा, B12 भी पाया जाएगा, लेकिन के नहीं होता है। तो खीस बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो ब्याने के 3 से 5 दिन तक पशु के आयन से हमें प्राप्त
होता है और इसे कभी भी एक बार में नहीं निकालना है। अगर गाय ब्याई तो पूरे खीस को एक बार में नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो उसके शरीर में विटामिन ए डी और बी की कमी हो जाएगी, और जैसे ए डी की कमी हुई और डी ज्यादा मात्रा में अगर कम हो गया तो उसे एक बीमारी जो कि दुग्ध ज्वर है, विटामिन डी की कमी से होती है, वो होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी भैया आपसे संबंधित। लैक्टोज कंटेंट बफेलो मिल्क 5% होता है, ठीक है, याद रखना है। और देसी गायों में सबसे मीठा दूध साहिवाल का होता है, याद रखना भैया। चलिए, तो आई होप मेरे द्वारा आपको इस MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ICR के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने चर्चा करी है एनिमल हस्बेंड्री के। आई होप आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट।